हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिया टॉक्स। आज हूँ मैं फिर से आपके लिए नए वीडियो के साथ। तो वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे फेक चैनल्स हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ। इनको क्या फेक डेट देने का बहुत ज़्यादा शौक है और ये आपके रिजल्ट से रिलेटेड फेक डेट्स निकालते रहते हैं। पहले इन्होंने एक डेट बताई 15 फरवरी, फिर एक डेट बताई 20 फरवरी, फिर एक ये डेट बताते हैं 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा। ओके, वो भी निकल गया। और फिर मुझे ऐसा डर है कि इतने जोश जोश से डेट निकालते हैं और डेट निकालने का, फेक डेट निकालने का इनको इतना शौक है, अभी कहीं ये ना कहते कि 30 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 30 फरवरी तो आती नहीं। बिल्कुल, मुझे भी पता है कि 30 फरवरी आती ही नहीं है कभी। तो जैसे 30 फरवरी नहीं आती, वैसे इनकी डेटें भी झूठी होती है और इन्हें कुछ पता नहीं है रिजल्ट कब आएगा। तो इनकी बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बिल्कुल ही, मतलब ये तो अब बेशर्मी की हद पार करने लग गए हैं ऐसे चैनल। रोज़ नए वीडियो, रोज़ लाइव आएंगे, ठीक है। आप फेक बना देंगे थंबनेल और उस फेक थंबनेल में कुछ कुछ भी लिख देंगे, लाइव है, रिजल्ट आ गया, लाइव चेक करो, ऐसा ऐसा लिख के आपको गुमराह करेंगे। तो सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है, तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपके जो स्कूल के एग्ज़ाम आने वाले उन पर ध्यान दीजिए। और अब मैंने जो सोचा था कि ऐसे चैनल्स जो है उनके नाम लेके एक्सपोज किया जाए, क्योंकि काफ़ी ये बढ़ता ही जा रहा है, पर मैं इनको एक्सपोज नहीं करने वाला हूँ। अब मैंने सोचा कि एक्सपोज मैं नहीं, एक्सपोज आप करोगे। आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में ऐसे चैनल्स का नाम लिखना है जो आपको झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको गुमराह करते हैं रिजल्ट के बारे में, उन चैनल्स का नाम लिखिए, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चे भी उन चैनल्स का नाम देखें और उन चैनल से बचे रहें, ठीक है। ये आप मुझसे ज़्यादा आप जानते हो कि कौन से चैनल जो है आपको फेक न्यूज़ देते हैं, ठीक है। मुझे तो कुछ कुछ चैनल के बारे में पता है, आपको ज़्यादा पता है कि ऐसे ज़्यादा चैनल कौन कौन से हैं जो आपको फेक न्यूज़ देते हैं, उनका आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब भी इनके वीडियो देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके वीडियो पे रिपोर्ट करना है कि ये फेक न्यूज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको इनको लगातार रिपोर्ट करते जाना है इनके वीडियोस को, ताकि ऐसे वीडियो बनाने से पहले ये बहुत बार सोचे और आपका टाइम जो है वेस्ट ना करें, ठीक है। तो आपको अब रिपोर्टिंग शुरू करनी है। और भी, और यूट्यूब पर जो भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, मैं उनसे भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपने बच्चों को जो है इन चीज़ों से अवेयर कीजिए और उनको बताइए कि ऐसे कौन सा चैनल है जो इनको फेक न्यूज़ दे रहे हैं, साथ में उनका लगातार उन चैनल्स पे रिपोर्ट कराते जाइए, ताकि ऐसे चैनल्स जो है ज़्यादा ना बढ़े और ये इस तरह की वीडियो डालने से पहले 100 बार सोचे, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, ठीक है। और अगर ये फिर भी नहीं सुधरते इस टाइप के चैनल, तो मैं खुद आपको जो है नाम बताऊँगा, इनकी बारे में खोजबीन करूँगा और इनको जो है वीडियो पर नाम लिखे बताएंगे कि ये चैनल है, आपको जाके इनको रिपोर्ट करना है। तो मैं ऐसे चैनल को कहूँगा सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, बच्चों का अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छे कंटेंट पे काम कीजिए, बेफालतू के कंटेंट पे आप काम मत कीजिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं और भी अदर टीचर्स के बच्चे हैं, वो इस बात पे जरूर ध्यान दें और कमेंट बॉक्स में ऐसे चैनल्स का नाम लिख के इनको आप एक्सपोज कीजिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी। और जैसे आप सैनिक स्कूल के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, ठीक है, जब आना होगा आ जाएगा, ये सब एंटी में छोड़ दीजिए कब आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।